तैतीस कोटि देवता जागा शारद दहिनी भुजा पे लागा चौरा तू मैहर के त्यागा आवा मैं फिल्में बजावा तू सीता तो हंस माहिनी शारद मैया बजे सभा माँ सीता हंस माहिनी शारद मैया बजे सभा माँ सीता रोम रोम झनकार करायो कलम हाथ में सहारा रोम रोम झनकार करायो कलम हाथ माँ सहारा देहो ज्ञान तू कालिदास का महाकाली कहे संसार माधो राम कवि के कविता बजरंगी के सहारा तो वाल्मीकि की जीव बैठू महापुराण जो रचिता हाल कई हम बूंदी गढ़ के काम शाहजहां सरदार जेकर बिटिया पद्मावती है कामदेव भय सवारा ए भैया बंगाल का रहने वाला बाबा काम शाह राजा काम शाह वहाँ का राजा थे बाह और उनकी बेटी थी पद्मावती पद्मावती जब सयान हो गई शादी की योग्य हो गई तो काम शाह मंत्री से बुला करके कहने लगे कि हे मंत्री मेरी बेटी शादी के योग्य हो गई है और इसके लिए कहीं पर ढूंढना चाहिए तो देखिए बुला करके सारी बात कहते हैं और पर ढूंढने के लिए तैयारी करते हैं मंत्री को बुला करके और तैयारी करने लगते हैं तो काम साह मंत्री से बोले अब ना कीजे आबार ज्ञान जोगे बेटी हो गए करा तिलक अब तैयार नाऊ यो ब्राह्मण का भेजा घूमिया दुनिया माझारा नाऊ यो ब्राह्मण का भेजा घूमे दुनिया माझारा लिखा शर्त कागज के ऊपर बंगाले के समझारा लिखा शर्त कागज के ऊपर बंगाले के समाचार लड़के जीते जे बूंदी गढ़ करे दुआरे कै लड़के जीते जे बूंदी गढ़ करे दुआरे कै करे भमरिया पद्मावती के बूंदी गढ़ के माजारा करे भमरिया पद्मावती के बूंदी गढ़ के माजारा नाऊ ब्राह्मण टीका लेके भय बंगाल से तैयार पहुँचे गढ़ दिल्ली में जहाँ पृथ्वीराज है सरदार दिए पत्रिका पृथ्वीराज का कई दे साफे इनकारा पत्रिका पृथ्वीराज का कई देह साफे जादू कुमार हुए बंगला में लड़के ना पोवे पारा एक दुल्हनी के पीछे लाखों जाने जई है मारा टीका फियर दिए दिल्ली पतिया के सुना समाचार टीका फियर दिए दिल्ली पतिया के सुना समाचार नाऊ ब्राह्मण कनौज पहुँचे जय चंद के दरबार लगी सभा है जय चंदा के बैठे सूर कसे सब लागी सभा जय चंदा के बैठे सूर कसे सब हथियार काम साह राजा
मंत्री के हाथ सिंदूर सुपारी दे के यो देखा विदा कह दे, कहे दुनिया में जाए के टीका चढ़ाए धा, लेकिन कहां कि हमारे योग्य होए हमारे काबिलियत में होए वही रिकिम से हेरिया हमारे बेटी ताई बर नाऊ बाबन कहन महाराज चिंता न करा, लेकिन देखा जल्द है और जाए के कहां पहुंचते हैं कनौज में जयचंद के दरबार में पहुंचते हैं और महाराज जयचंद का दरबार लगा हुआ है और दरबार जब लगा हुआ है तो वहां पर नाऊ ब्राह्मण आएंगे पहुंचते हैं कि टीका लेके देखा का कहत हैं लटका भाव में कहना बा अरे तटी का दिल्ली पति लौटाए टीका दिल्ली पति लौटाए लेके दिल्ली में गए तो पृथ्वीराज चौहान के पास लेके न महाराज पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि नहीं हम आपका टीका नहीं लेंगे इसलिए कि बंगाल में जादू की मार होती है लड़ाई हुए तो उस लड़के जीत ले लेकिन जादू मार के भेड़ा बकरी बनाए दी है तो हुआ लड़े लड़ाई न लड़ मिले भेड़ा बने ठीक बा लेकिन बकरी बने ठीक ना ना हो नहीं तो वह बकरी बनाए देते रहे यही लिए ढोलिया हो बकरी बनवाई दे क्यों योद्धा तैयार नहीं बा और जब जयचंद खिया पहुंचे तब देखा का होत बा का? अरे तट्टी का दिल्ली पति लौटाए अरे त नाऊ ब्राह्मण कनौज आए जहा जयचंद लगाए अरे त नाऊ हाथ जोर सिरनावा नाऊ हाथ जोर सिरनावा अरे पापी राजा के देखावा पड़ते भूम सर झुकावा भय फिकरिया भूम सर झुकावा अरे त राजा जय चंद गए डेराई राजा जय चंद गए डेराई अरे पाती तुरंत दिए लौटाई उदल पूछे दिया बताई किस खबारी अरे जय चंद उदल से बतलाए पाती काम सह भजवाए ब्याह बेटी के रचाए बल करिया तो हो वे जग में जे बलवान देखा जयचंद से उदल पूछते हैं कि चचा ये बतावा टीका कहाँ से आए बा और बड़ी हलचल होत ब्याह बाजार से आवा शादी ब्याह है कई का बात है लेकिन देखा जयचंद उदल से बतावत है कि ये टीका बंगाल से आवा बा और काम सह राजा के बिटिया शादी की योग होएगी बा ये नाऊ ब्राह्मण हुआ से आए हैं लेकिन इसमें लिखा बा कहन बाप बदलती हमको पढ़ करके बताइए इसमें क्या लिखा है तो देखा बतावत है जयचंद महाराज कि का लिखावा अरे हो वे जग में जे बलवान अरे तजीते बूंदी गढ़ मैदान पाती पढ़ के बाहे रान होशी हरियाणा बा
अरे टीका जो ले बे चढ़वाई हरे तो बूंदी गढ़ मा हो लड़ाई सबका कैद लिए करवाई जादू करिया जादू करिया सबका कैद लिए करवाई जादू तो हेरे पौबाना ठेका तो आते बूदीगढ़ मैदान रोई है महाबली मलखान वही नगारिया मारो है महाबली दल जरी के भय अंगा अरे लिहिस के दुनिया माय उतार रोक उदल के कटार बल करिया हे दादा आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए आप टीका चढ़वाइए और बे आपका ब्याह कराने के लिए मैं तैयार हूँ। कौन ऐसा योद्धा इस पृथ्वी पर अवतार लिया है जो हमारी तलवार का सामना करे? आप चिंता बिल्कुल मत करिए, आप तिलक चढ़वाइए और लाखन का विवाह होगा। तो देखिए कहना है, अरे तो उदल जर के भयंगार लिहिस के दुनिया माय उतार और रोके उदल के कटारे बल करिया कोपे सिरसा के मलखान अरे हुए बूदीगढ़ शमशान जादू हो जाए ना काम वही समारिया मा जादू हो जाए ना काम वही समारिया उदल यही किसी में बतलाए उदल यही किसी में बतलाए अरे तो टीका लाखन कई चढ़वाए विदाई ना उ बाभन पाए हैं मोहरी आना विदाई ना तो चढ़ी गए लाखन के तिलकिया अरे तो चढ़ी गए लाखन के तिलकिया अरे उदल साजत यहीं पर दिया सुन लिया काम साह के बिटिया के खबरिया ना सुन लिया तो पद्मावती की ही तैयारी अरे पद्मावती की ही तैयारी अरे तो सज के महलों से सुकुमारी घूमे चली फूलवारी माँ गुजरिया माँ गुजरिया ना घूमे चली फूलवारी माँ गुजरिया तो संगमालय के सखी सहेली अरे पहुंची बगिया मायल बेली सखी कहाँ की आवा खेली कुछ खिलाड़ी आना संगमालय के सखी सहेली पहुंची बगिया माँ अरे बेली और सखी कहे की आवा खेली कुछ खेलिया अरे तो देखे भवरन के गुंजार अरे बोली सखियन से सुकुमार अरे डोला ले जई है हमार बाल करिया डोला डोला ले जई है हमार बाल करिया डोला
ए भैया देखा काम सा के बिटिया पद्मावती अपने सखी सहेलर के साथ बगिया में के घूमे में ताई निकली है और जब घूमत यहाँ बगिया में फुलवारी माँ तो सखिये मजाक करत यहाँ कि देखा अब तोहार दिन आएगा तोहार दिन आए जाए वाली यहाँ तू मंद मंद पुरवाई बहत ब्या अरे वह ना यार इतनी जल्दी तो तैयारी बना दिया था अरे गौने जाए वाली यहाँ हाँ मतलब शादी ब्याह होए वाली बा रंगीन न होए शादी हो शादी ब्याह होए वाला होते तो बड़ी खुशी रहा है ढेर चक्कर मारते हरी बार अरे देखा एक दिन ये नहु हरे के जब शादी होए वाला बढ़ा अरे तो जान लिया कि मोछरा खाने रहे एकदम दादाजी सबके ब्याह है उमंग होते खुशी होते कि हमारे शादी ब्याह हुई कितना जने मुंह लटकाए लिए थे खाब ना करते तो दहेज कितना लटकाए लिए थे कि हमका बुलेट चाहिए आज का मेहरारू शौक रहा चभर चभर खाए लिए थे तो देखा मेहरारू का शौक इनका नाय ना भैया उस सबका पाया है इनके बाल विवाह भरा का जाने ये छोटे के रहे तबे हो ही रहा है इनके अबे कुंवारे पर हां देखा दाढ़ी बार झर गया लेकिन देखिए कहना है यार पद्मावती घूमे निकली है और सखी सहेलर कुल मजाक करती है पूछती है कि बहुत जल्दी से तुहार शादी होए वाली बा और देखा तुहार देखे वाले तुम्हें आवे वाले है क्यों क्यों तुहार देखे ताई तुम्हें आई गई है हाँ ये बड़वा और झर जाए बस दखवारी हो जाए लेकिन सोचत यहाँ पद्मावती कि हमार दुल्हा पता ना सांवरा है कि गोर है कान नीला पीला तो ना यहाँ लेकिन कहना बाहू अरे सखियई कहाँ पकड़ी के बहिया बाबा सखियई कहाँ पकड़ी के बहिया अरे ऐसन बात कराना गोइया डोली चढ़ के जैबू सैया की दुवरी आना तो उधर खबर जही दिन पई है अरे तो टीका जबरन वही चढ़वई है बूंदी गहमा चमक है वही कटरी आना बूंदी तो जे करे अमर यहे कटार अरे जे करे अमर यहे कटार अरे तबे दुल घोड़ा के सवार सियना कही दे है खैकार लस करिया मास हे हे लस करिया ना सियना कही दे है खैका लस करिया ना सियना कही दे है तो जे करे भाई हूँ इमल खान हरे सारद दे हाय बरदान जे कर बच्चर के समान बा शरीरी आना जे शरीरी आना जे कै बच्चर के समान बा शरीरी आना जे कै बच्चर के समान शरीरी आना हो शरीरी आना जे कै बच्चर के समान बा शरीरी आना जे कै बच्चर के समान बा शरीरी अरे पद्मावती कहे मुस्काई ए भैया सखिए पद्मावती से कहा थी यहाँ की तू ना जानती है जह दिन खबर उदल पाई गई वही दिन बूंदी गढ़मा जान ले लिया कि तलवार के मार हुई और तू तो जानती है कि उनके तलवार पर जगदम्मा बास करती है उनके कटहर अमर बा कटहर नहीं अमर बा उनके तलवार अमर बा इनका कहता है कटहर अमर बा कटहर कटहर हम तो कही यार कटहर अमर होत है अरे कटहर बहुत खाते है लिए शायद इनका कटहरे याद रहा है सीजन आ गए भैया लेकिन देखा कहत कहे अरे तजेकर बज्जर के समान बा शरीर आना तो पद्मावती कहे मुस्काई
अरे काऊ दल का क्यों बड़ाई नाची बन के जवन लुगाई ससुर रिया सखियई कहां ये समझ के बोला सखियई कहां ये समझ के बोला अरे तऊ दल बदल के जई है चोला रोई है सीधी भोला घिर जाए बदरिया ना रोई है सीधी घिर जाए बदरिया ना रोई है सीधी भोला घिर जाए बदरिया ना रोई है सीधी भोला घिर जाए तो रानी कहीं ले तंगड़ाई रानी कहीं ले तंगड़ाई अरे तो गैया तुसे काउ बताई लगते गई पथराई मर नजरिया ना लगते गई पथराई मर नजरिया ना लगते गई पथराई मर नजरिया ना लगते गई पद्मावती रह रहे के सोचत यहाँ कब हमार दुल्हा आई जाते तो हम कब हम चेहरा देख ले तो हमारे दिल में सुकून हो ढेर दिन से गावत बजावत घरे ना आवत है बहुत इंतजार करत यहाँ और देखा पहरे से फुफकारत यहाँ लेकिन अंदर से मुस्कियात यहाँ सोचत यहाँ कि हमार होए वाला दुल्हा मिल जाते यही फुलवरिया माँ अरे तो जान लिया कि हमारे तकदीर खुल जात पता ना ढोल बजावत कहां मरत बा लेकिन कहा गया है सखी देखा सखी से काव कहत यहाँ हाय यहीं से देखा हमारे धुन बदल गए बा भैया अब कहना बा हाय अरे कैसे बीते मोर जवानिया रे सजनी कैसे बीते मोर अरे टीका घूम आए दुनिया से अरे क्यों ना चढ़वाए टीका घूम आए दुनिया से अरे क्यों ना चढ़वाए अरे दिल्ली पति है पृथ्वीराज जो अरे टीका मोर घुमाए और जकरे बल से कांपे दुनिया रे सजनी जकरे बल से कांपे सखे अरे सबसे बड़ा पहलवान हमने नाम सुना था दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण मारते रहे जो कि बिना देखे निशाना करते थे मारे कहां जाए और कहां पास शब्द भेदी बाण था और आप ये भी नहीं जानते होंगे कि शायद उस पृथ्वीराज चौहान के गुरु कौन थे इसको भी जानना जरूरी है हम सब मौके पर रहे ना लाइन कथा की है उसमें प्रसंग आता है क्योंकि दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान जो शब्द भेदी बाण चलाते थे वो ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ था ये बात आप लोग ध्यान दीजिए पृथ्वीराज चौहान के गुरु थे द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा जो कि आज तक भी जीवित है अश्वत्थामा और उन्हीं अश्वत्थामा से पृथ्वीराज चौहान ने धनुष विद्या सीखी है वहीं से शब्द वेदी का ज्ञान प्राप्त हुआ था बाह तो कहना है पद्मावती कहत यहाँ कि इतना बड़ा नाम सुन पृथ्वीराज को वो टीका वापस कह दे हमारे ब्याह न होए का तो लक्षण यही सन जाने पर तबा
अरे उमर भई रहब कुमारी। अरे जानो विधाता करम हमरे, अरे लिखे नाई ससुरारी और तरसे चंदा को चंदानिया रे रही जे बंगाले मा। अरे क्यों ना हमें देख हे सखी, ये बंगाल में क्यों शादी करे, हमें लागत बा कि क्यों योद्धा पृथ्वी पर है ये नहीं, सबके छक्का छूट गबा, हमें लागत बा पूरा जीवन आजीवन रह जाब ऐसे कुमारी ने कहा। हाँ हमारे पड़ोसी ने हो छक्का हो गए, छक्का छूट ही गवा। अच्छा और तू जानता है कि हाँ ये छक्का छूट गया, मतलब छक्का हो गई ऐसा बात नहीं ना। हाँ तब भी आगे ना है, छक्का छूट गया, छक्का टूट गया। लेकिन देखा होत गवा का वही माँ से एक सखी कहत ब्याह कि तू हिरासा ना, तुहार बहुत जल्दी ब्याह हो जाए, 60 साल पार ना हो पाए। का कहत ब्याह बा तुहार शादी हो जाए बा, लेकिन ये अपने मन में सोचती है कि भावर करे जे बंगाले माँ, अरे क्यों ना हमें देखा दे। अरे बूंदी घर के नाव से ही ले, अरे पड़े पड़े के दांत और फिर गई दुनिया से लगानिया रे अरे एक सखी तब गले लिपट के पद्मावती से बोली, अले तिलक चढ़ी गई गढ़ कनौज में, अरे चढ़ के जई बुटवली और हुआ बुला खन के दुल्हनिया रे सजनी। सखी समझावत बा कि तोहार तिलक चढ़ चुकी बा और तोहार शादी लाखन के साथे होए वाली बा। एक जने के साथे न होए, लाखन के साथे, लाखन के साथे होए, जे के भाला अमर ये जो होए अमर है। तो का कहना बहु शेर भाव मा तो हो बू लाखन के दुल्हनिया कहे सखी समझाए सुना, मोहबा के उदल राना वैले तिलक चढ़वाए सुना, मोहबा के उदल राना वैले तिलक चढ़वाए सुना, वो नहीं देवला नंदन यही है भावर लिए कराए सुना। फिल्में बजावा तू सीता